खान करो। पेज नंबर 39 का नीचे वाला सवाल लिखिए। पेज नंबर 39 के नीचे में लिखा हुआ है कि एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ध्यान समझिएगा, एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसके अंदर में चार्ज का बंटवारा कांस्टेंट नहीं बल्कि रो बराबर रो नॉट आर कूलॉम पर मीटर स्क्वायर है और इसका फुल रेडियस का मान कैपिटल आर है। रेडियस कैपिटल आर है और उसका पूरा रो का मान कितना है, रो नॉट आर। हम ऐसा सवाल बना चुके हैं कि पूछे कि इसका भौतिक इसमें कितना चार्ज है इसमें, हाँ ऐसा सवाल हम पीछे कर चुके हैं कि टोटल चार्ज बराबर क्या लिखा जाएगा, कूलॉम पर मीटर क्यू। चलो ठीक, कूलॉम पर मीटर क्यू। टोटल चार्ज अगर निकालना होता है तो हम लोग यहाँ पर क्या मानते हैं, स्फीयर कितना रेडियस वाला छोटी आर, तो 4πr into और फिर इसमें रो नॉट आर, इसमें आ रहा है कि नहीं करवाया गया। मान लिया जाए कि कोई स्फीयर है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और इस पर चार्ज का मान बंटवारा है रो बराबर रो नॉट आर, तो यहाँ से आर दूरी पर जो ऐसे काटेंगे जगह कितना मोटाई का डी आर, तो ये हर एक जगह तो आर दूरी पर है, इसका मतलब इस हर एक जगह में वॉल्यूम डेंसिटी का मान रो नॉट आर कूलॉम पर मीटर क्यू ही होगा, तो यहाँ पर है रो का मान रो नॉट आर कूलॉम पर मीटर क्यू, क्योंकि हर एक जगह यहाँ से आर दूरी पर है, इसका वॉल्यूम होगा 4πr² dr, इतना आयतन में कितना चार्ज होगा इतना गुने इतना, एक आयतन में इतना चार्ज तो इतना आयतन में इतना और गुना इतना चार्ज, इसका इंटी मैंने 4πr² ρ0 r dr का इंटी जीरो से लेकर के तो पूरा चार्ज का मान निकल जाएगा। ऐसे निकल सकते पूरा चार्ज। आज ये सवाल है कि बताइए यहाँ से r दूरी पर एक पॉइंट P है, तो बताओ कि पॉइंट P पर इंटेंसिटी का मान क्या होगा। अगर ये रो बराबर रो नॉट आर कूलॉम पर मीटर क्यू नहीं होगी, सिर्फ रो बराबर रो नॉट होता, रो बराबर मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता, तब यहाँ आंसर होता क्यू आर वाई आर क्यू आर वाई आर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जिसके अंदर में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट अगर होता, रो बराबर रो नॉट आर नहीं होके सिर्फ क्या होता रो नॉट, तब यहाँ परिस्थिति का मान कितना होता Q, जहाँ क्यू कहलाता पूरा इस गोला का चार्ज। लेकिन अभी हमें पॉइंट पी पर इंसिटी का मान निकालना है, इसलिए पॉइंट पी पर हमें गॉसियन सरफेस लेने जा रहे हैं। पॉइंट पी पर क्या लेंगे हम लोग, गॉसियन सरफेस, यहाँ से ले रहे हैं गॉसियन सरफेस और इसके अंदर का क्या निकाला जाएगा चार्ज, मान लो चार्ज कितना है क्यू डैश जो इसके अंदर है, तो लिखा जाएगा कि E dot dA over a क्लोज गॉसियन सरफेस बराबर चार्ज इन क्लोज बटा नौ, और यहाँ लिखा है E गुने 4πr² और चार्ज इन क्लोज का मान हम ध्यान सुनिएगा, चूंकि यहाँ पर हम लोग बड़ी आर था तो क्या माने थे छोटी आर, और अभी हमको कहाँ तक निकालना है चार छोटी आर तक, तो सवाल अब यहाँ से सॉल्व होगा, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ जो काम उसमें कर रहा है बड़ा वाला यार, जो काम इसमें कम कर रहा है वो काम इसमें कर रहा है छोटा वाला, सही कि नहीं, हमको यहाँ तक का चार्ज निकालना था, इसमें यहीं तक का चार्ज निकालना है, तो इसमें ऐसे माने कि माना कि यहाँ से x दूरी पर एक और काटे डी आर, है कि नहीं, जैसे कि हम लोग यहाँ काटे थे r पर डी आर, सही कि नहीं। सवाल है बड़ी r तक, इसके अंदर काट रहे हैं छोटी r का डी आर, सवाल अभी सॉल्व करना है कहाँ तक, छोटी r तक का चार्ज निकालना है ना, इसके अंदर में और मान लेंगे r x पर डी आर, क्या लिखाएगा 4πx² dr 4πx² और रो बराबर रो नॉट एक्स आर है एक्स, आर है सेंटर से दूरी, तो सेंटर कितना दूरी पर भी हम लोग हैं एक्स दूरी पर है सेंटर से, यहाँ लिखाएगा रो नॉट एक्स, ये हो गया वॉल्यूम, ये हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पूरा हो गया चार्ज असाइन की जीरो से छोटी आर, जीरो से अब बचा
सही कि नहीं? ऐसे तो यहाँ से आइए भाई, निकालना है तो 4π से 4π कैंसिल, e बराबर रो नॉट बाहर, s के पावर 2 और 1 तो 3 का 4 बाई 4, s के पावर 4 बाई 4 कहाँ से कहाँ तक, 0 से अब बटा एप्सिलॉन अब उन्हें r² गुने तो इंटेन बराबर रो नॉट बटा एप्सिलॉन नॉट 4 r² 2 आ गया इंटेन रो नॉट बटा 4 εr² सही कि नहीं? अगला निकाल ये तो आसान सवाल है। फॉर्मूला लिखा गया है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर में इंटेंसिटी बराबर के क्यू आर वाई, सतह पर के क्यू वाई कैपिटल आर स्क्वायर और बाहर के क्यू वाई। हाँ, सबसे नीचे देखिए यहाँ लिखा हुआ पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, नहीं लिखा ना? एक यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, मतलब चार्ज तो है लेकिन इसके अंदर में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा है। रो कूलम्ब पर मीटर, अच्छा कुल चार्ज का मान कितना आया? क्यू, क्यू का मान हो जाएगा 4/3 πr³ρ। सही कि नहीं? तब अंदर में r दूरी पर अगर पॉइंट ए है, सतह पर एक पॉइंट और बाहर एक पॉइंट, तो अंदर वाला पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्यू आर बाई आर क्यू और सतह पर और बाहर और ग्रेटर देन बढ़िया। सही करें? इससे अब मिलता जुलता सवाल है। इस समझने का सेंटर ऑफ मास में एक बड़ा सा गोला से एक छोटा गोला कट कर दिया जाए, अब बताओ कि सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। उसी तरह से पूरा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में से थोड़ा सा भाग काट के निकाल लिया गया, तो बताओ इंटेंसिटी का मान क्या होगा। और ये सवाल सब यूनिफॉर्मली चार्ज वाला का है, नॉन यूनिफॉर्मली वाला का नहीं। अभी जो सवाल का कैसा था ये? नॉन यूनिफॉर्म। ये सवाल कैसा है? नॉन यूनिफॉर्मली वाला। इसके लिए फॉर्मूला के लिए फायदा नहीं है, इसका फॉर्मूला मत याद करना है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग लिखे थे रो नॉट आर, रो नॉट आर, रो नॉट एक्स आया था, कोई लिखा रो नॉट एक्स स्क्वायर तो कहानी चेंज। इसलिए जो इंटीग्रेशन वाले सवाल है उस पर फॉर्मूला करने से फायदा नहीं। हाँ, अब जो पढ़ाई हो रहा है वो फॉर्मूला आप ध्यान में रख सकते हैं, लास्ट में ही बात आएगा। अभी जो कराया जा रहा है वो क्वेश्चन है 2-3 को, लास्ट में फॉर्मूला निकल के आएगा वो आपको याद रखना पड़ेगा, तो बहुत सा बात और समझ में। देखते सवाल पे नंबर 40 का, एक 4r रेडियस वाला, कितना वाला? 4r रेडियस वाला, 4r ना? Yes, sir. 4r रेडियस वाला एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। कितना रेडियस इसका? 4r। यहाँ कितना होगा? 2r। 2r में भी r, 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 4r आई हो गया सेंटर, आई सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इस पर चार्ज रो कूलम्ब पर मीटर क्यू, मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज, कहीं चार्ज कम ज्यादा वाला बात नहीं, कहीं से भी एक आयतन में काटो तो रो कूलम्ब मिलेंगे, ऐसा चार्ज का बंटवारा बताया गया। बीच में से कुछ गोला कट कर लिया गया है, इतना भाग, सही कि नहीं? इतना हिस्सा क्या कर लिया गया है? कट कर लिया गया, यहाँ चार्ज नहीं है। ये वाला पूरा पोर्शन क्या कर लिया गया? कट, चार्ज सिर्फ यहाँ है, सुना कि नहीं? चार्ज सिर्फ यहाँ है, बीच वाला भाग क्या है? कट। सवाल है कि बताइए पॉइंट पी पर जो कि सेंटर से 8 r की दूरी पर है, कितना पर? 8 r की दूरी पर एक पॉइंट पी है, यहाँ बताइए पॉइंट पी पर इंटेंसिटी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले पूरा गोला के चलते इंटेंसिटी का मान निकाला जाएगा और कटिंग वाला गोला के चलते वहां से हटाया जाएगा। तो पूरा गोला के चलते, चूंकि बाहर का फॉर्मूला है कि अंदर का,
के क्यू का मान 4/3 / 4r का क्यू, 4r का और रो, सही है के क्यू बाई आर स्क्वायर मतलब 8r का स्क्वायर, समझ आया कि नहीं आई, के क्यू बाई आर स्क्वायर ये फॉर्मूला बाहर का है कि अंदर का, तो बाहर का फॉर्मूला के क्यू बाई तो के और पूरा चार्ज के साथ पूरा चार्ज बराबर पूरा वॉल्यूम गुने रो बटा आर का में घटेगा, इसके चलते ना इसके सेंटर से भी तो बाहर है, तो फिर फॉर्मूला के क्यू आई, तो यहाँ पर लिखेंगे के और इस बार क्यू का मान होगा 4/3 / r³ रो, समझ आया कि नहीं, इसका आंसर होगा 4/3 / r³ ना, और के क्यू आई आर स्क्वायर का मतलब हुआ 6r सेंटर से दूरी, सेंटर से दूरी कितना का हो गया आंसर, सही ना, के रो 4/3 / 4r का क्यू 8r का स्क्वायर माइनस के रो 4/3 / r³ 6r का, 6r पूरा का होल स्क्वायर, 6r स्क्वायर में सुधार लीजिए, अच्छा नीचे किया होगा 6r का स्क्वायर। अगला सवाल है कि फाइंड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, इसी सवाल में है ना, लेकिन इस बार पॉइंट पी कहाँ है, हाँ यहाँ पर है ना, इस बार यहाँ पर पॉइंट पी है, जा रहे हैं पूरा गोला कितना त्रिज्या का है 4r का, कितना का है 4r, और यहाँ पर पी पॉइंट रखा गया है, ये दूरी कितना है 2r, और ये भी दूरी, और यहाँ पर पॉइंट बताना है कि पॉइंट पी पर इंटेंसिटी का मान, अगर यहाँ से क्या कर लिया जाए कट, पहले पूरा का निकालेंगे, पूरा के चलते अंदर में फॉर्मूला के क्यू आर बाई आर क्यू के क्यू 4/3 / 4r का होल क्यू रो के क्यू के क्यू आर की जगह 2r सेंटर से दूरी के क्यू आर बटा आर क्यू के क्यू आर भाई सही कि नहीं, अंदर का फॉर्मूला की बाहर का अब लगेगा बाहर का, क्योंकि इसके चलते निकालेंगे तो इसके तो बाहर ही नहीं, इसके चलते कहाँ आई जो घटाया जा रहा है, तो उसके चलते हो जाएगा के क्यू 4/3 / r³ रो के क्यू बाई आर स्क्वायर 4r, सही कह रहे हैं 2r यहाँ 1r यहाँ और 1r कितना हो गई 4r, क्या है बोलिए, ओके एक बार अभी हम लोग इंटेंसिटी निकाले थे कहाँ, बाहर, एक बार कहाँ निकाले, अब निकालेंगे उस कैविटी के अंदर जहाँ से कटिंग किया हुआ, हसमें है कि नहीं, एक कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ध्यान सुनना ये सवाल याद कर लेना, ये आंसर है ना, ये वाला आंसर वाला याद करना चाहिए, पूरा का पूरा त्रिज्या कितना था इसका 4r, क्या यार, हाँ जानवर के हाथ होते हो गए ना 4r और 4r, अब कटिंग कैसा यहाँ से ना, कितना 2r, 2r त्रिज्या का कटिंग किया हुआ है, बाकी सब में चार्ज भरा, और इस बार इंटेंसिटी, हाँ इस पर चार्ज है रो कूलम पर मीटर, सवाल है कि नहीं 6r लिखा हुआ, इसका कितना लिखा हुआ है 6r, नहीं जी
तो ई वाला हो गया टू आर, आई वाला हो गया टू आर, दो चार और दो और थ्री आर और सिक्स आर। बोले ना सवाल क्या है, फाइन इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, पी पॉइंट है के जा यहाँ से दूरी कितना है टू आर, और पी पॉइंट कहाँ पर है आर है, पी पॉइंट कहाँ पर है आर पर, ये दूरी कितना आर, आई पॉइंट का नाम पी, इस पॉइंट पी पर हमें निकालना है इंटेंसिटी। तो पॉइंट पी पर इंटेंसिटी अगर हम पूरा गोला के चलते निकालना चाहते हैं तो अंदर कहा जाएगा और सेंटर से टू आर दूरी पर सही है, पूरा गोला के चलते अगर इंटेंसिटी निकाला जाए, किसके चलते पूरा गोला के चलते, हम लोग निकालने जा रहे हैं कहां पर पॉइंट पी पर, ध्यान सुनिएगा अभी हम पॉइंट पी को कहां माने हैं अलोंग द लाइन, जो सेंटर टू सेंटर लाइन ज्वाइन हो रहा है ने, उस पर पी पॉइंट माना गया है, ध्यान समझना ही बात है। तो इस पॉइंट पी पर इंटेंसिटी का मान हम जब निकालेंगे अगर पूरे गोला के चलते तो अंदर कहा जाए कि बाहर, अंदर सेंटर कितनी दूरी पर टू आर, तो आंसर होगा के क्यू, क्यू का मान 4/3/6 के क्यू लिखेगा ना पहले, तो पहले क्यू कैसे लिखाएगा 4/3/RQ आप घूने के क्यू, अब आर के जगह के क्यू आर बटे के क्यू आर बटे आर क्यू, सही कि नहीं, के क्यू आर बटे आर क्यू, के पूरा गोला का चार, क्यू आर मतलब छोटी आर सेंटर से दूरी, आर मतलब बड़ी आर पूरा त्रिज्या, और माइनस उसकी तरह भी घटेगा, ये तो बड़ा ये तो हुआ प्लस में तो होगा माइनस में, तो कितना इंटेंसिटी कम जाएगा ना, तो इसके सेंटर दूरी कितना है आर, लेकिन है तो अंदर में, तो उसके लिए फिर फॉर्मूला के क्यू आर वाई, तो के क्यू के जगह 4/3/2R³ के क्यू आर बटा क्यू, क्यू आर बटा, सही कि नहीं, अच्छा दूसरा फॉर्मूला से बनाया मैंने, के क्यू आर वाई आर क्यू का दूसरा नाम था रो आर वाई क्यू एप्सिलॉन, सही था कि नहीं, निकालो सब के क्यू आर वाई आर क्यू, जहाँ भी फॉर्मूला प्रूव किया गया था सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में, वहाँ पर आप देखिए कि इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला आर लिखाया गया था, कितना निकल रहा है रो आर वाई थ्री एप्सिलॉन नॉट, निकल ना रो आर वाई, उसी ढंग से बना भाई भी आंसर कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन अगर हम रो आर वाई थ्री एप्सिलॉन हिसाब से लिखें तो पहला बार में लिखा जाएगा रो आर के जगह टू आर, आर के जगह क्योंकि सेंटर कितना दूरी है टू आर ना, तो रो आर बाई थ्री एप्सिलॉन में घटेगा रो आर बाई थ्री एप्सिलॉन, सही कि नहीं, एक आंसर आएगा रो आर बाई थ्री एप्सिलॉन नौ, एक आंसर आएगा रो आर बाई थ्री एप्सिलॉन नौ, प्लस होगा और ये क्लियर हुआ कि नहीं, रो आर मतलब छोटी आर सेंटर से दूरी, तो सेंटर से बड़ा गोला का सेंटर से दूरी टू आर बटे थ्री एप्सिलॉन नॉट, आज छोटा गोला सेंटर से दूरी रो आर वाई थ्री एप्सिलॉन नॉट, ये जो रो टू आर वाई थ्री एप्सिलॉन नॉट होगा वो कहाँ होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि हमेशा लाइंस होंगे सेंटर से, सही कि नहीं, सेंटर से बाहर, तो ये जो डायरेक्शन आएगा इधर आएगा ना, तो इसका डायरेक्शन या तो इधर मानो तो माइनस से मानो, है कि नहीं, ऐसे देखो कितना इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर आएगा इस तरफ ना, और इसका भी इंटेंसिटी का डायरेक्शन इस तरफ, लेकिन बीच में माइनस, तीव्र इंटेंसिटी में इंटेंसिटी क्या होगा घटेगा, तो जो आंसर आना होगा अपना आएगा, कितना आंसर आएगा रो आर वाई
लोअर भाई फिर सुनो नॉट आर भाई गड़बड़ कहाँ हुआ ब्रेसन में ना पूरा इंस्टीट्यूट कितना हो गया इसके चलते रो टू आर बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट रो यहां से दूरी कितना है टू आर ना टू आर और ये चार एक दो दो चार और दो छः इधर तीन तीन छः सही तो है। अच्छा सेंटर यहाँ है ना सेंटर यहाँ हाँ ध्यान सुनो वही गड़बड़ा रहा है कि हो गया रो आर वाई धीरे सुनना कहाँ की ओर बाहर और इसके चलते कहाँ माना गया अंदर की ओर मतलब ऐसे समझो पहले पूरा के चलते इंडिसिटी हुआ कितना रो आर वाई थ्री एप्सिलॉन नॉट कहाँ की ओर बाहर ठीक है बाहर की ओर और इसके चलते इंटेंसिटी कितना होगा रो आर वाई थ्री एप्सिलॉन नॉट हाँ सुनो पहले आप इसके सेंटर से इधर घेराबाती ऐसे इसके लिए सेंटर यहाँ है एसिडी कहाँ होगा बाहर की ओर अगर इसको मानो तो इसके चलते सेंटर तो यहाँ है एसिडी कहाँ होगा इधर ना तो इस पॉइंट पर इधर हुआ कि नहीं वही दिखाया गया कि रो आर वाई थ्री एप्सिलॉन की कहाँ होगा इधर ये होगा आई कैप ही होगा माइनस अगले हम लोग ये बात मान के बनाए कि यहाँ भी चार्ज है तब ना निकाले लेकिन चूंकि यहाँ चार्ज है तो इसमें ये वाला क्या करेंगे हटाएं अब क्या जरूरत है यहाँ पर ई गोला को अगर सिंगल गोला ही होता सिर्फ इतना ही गोला होता तब पूछते इंटेंसिटी यहाँ तीसरे लिखाते और अगर ही सिंगल गोला होता तब पूछता है किधर दिखाते दिखाते बाहर की ओर हमेशा तो रो आर वाई थ्री एप्सिलॉन नॉट बाहर की ओर बड़ा गोला के हिसाब से और रो आर वाई थ्री एप्सिलॉन बाहर की ओर छोटा गोला आई आ रही तो जब घटाएंगे दोनों क्या होगा मिलेगा तो वही लिखा हुआ है रो थ्री आर आई थ्री एप्सिलॉन ध्यान सुनिए इसका आंसर आ गया। दूसरा सवाल इसी ढंग का फिर से देखिए सवाल वही है एकदम पूरा का पूरा हूबहू यहाँ दूरी कितना है सिक्स आर कितना है सिक्स आर अभी दूरी सिक्स आर यहाँ कटिंग कितना है फोर आर ना इधर भी इधर भी यहाँ पर निकालना है इंटेंस यहाँ पर सर तो यहाँ पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन इसके चलते तो ऐसे होगा सही ग्रे सेंटर से कहाँ और इसके चलते ऐसे हो सही कि नहीं मतलब एक डायरेक्शन इधर जा रहा है और एक डायरेक्शन इधर जा रहा है दूसरी गति का निशान दिखाएं तो अच्छा समझ आए इसलिए मैंने बताया ना कि वेक्टर इधर जा रहा है ऐसा डायरेक्शन वेक्टर का इधर जा रहा है सही ना तो ई वाला को मान लो कि बड़ा वाला ई या इवन मान लो क्या माना गया है इवन और इसको मान लो तब इवन में ई टू क्या होगा घटेगा इवन में ई टू सही कि नहीं तो इवन का मान कितना होगा बोलो यहाँ से दूरी मान लो कितना है आई दूरी कितना है सेंटर से दूरी आर टू है सेंटर से दूरी तो बड़ा गोला के आंसर बराबर रो आर बाई थ्री एप्सिलॉन आंसर रो आर टू बाई थ्री एप्सिलॉन तो हम करना है हमें करना है इवन माइनस तो ऐसे लिखो कि रो आर वन वेक्टर बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट घटाओ रो आर टू वेक्टर बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट तो रो बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट ये कट जाएगी इवन का मान आ जाएगा रो आर वन वेक्टर बाई थ्री एप्सिलॉन तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर है आर वन की ओर
इसका रिलेशन किधर है, आई टू थ्री ओ, रो आई टू बाई बराबर रो थ्री एप्सिलॉन नॉट कॉमा बचेगा आर वन वेक्टर माइनस डायरेक्शन। क्या बताएगा डायरेक्शन, तो देखो यार आर वन वेक्टर में जब कौन घटेगा, आर टू ऐसे है ना, घटने का मतलब उल्टा, घटने का मतलब ऐसे आर वन में कौन जोड़ो, बोलो माइनस आर टू, आर वन में कौन जोड़ो, तो ई आर वन है कि नहीं, आई आर टू है कि नहीं, तो आर वन में कौन जोड़ेंगे, तो माइनस आर टू हुआ कि नहीं, आर टू है तो क्या हुआ, आई क्या है हमारा आर वन, तो आर वन में जब माइनस आर टू घटाएंगे तो ही ना बचेगा, ठीक है, जो कि दूरी कितना है यहाँ से, क्रिया कितना है, आंसर बराबर रो थ्री आर बाई थ्री सही के लिए। हम तो फॉर्मूला लिखाया गया कि याद कर जाना कि अंदर में कहीं भी निकालना हो इसी समान के आंसर सेम है। देखो लाइनिंग पर निकाले वही आंसर आया, यहाँ निकाले तो, यहाँ निकालते तो भी, यहाँ निकालते तो भी, इस पूरे कैविटी के अंदर में टी का मान समान है। और कितना होगा, थ्री आर नहीं याद करना, याद करना सेंटर से सेंटर की दूरी बटा थ्री एप्सिलॉन, सेंटर से सेंटर की फॉर्मूला हो गया अभी, रो सेंटर से सेंटर की बटा थ्री, इसे फिगर में सेंटर सेंटर की दूरी को एल दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है एल, कि सेंटर से सेंटर की दूरी कितना है, तो आंसर आया रॉयल वाई थ्री एप्सिलॉन, है लिखल आंसर बराबर रॉयल वाई, जहाँ एल क्या है सेंटर की, मतलब कि किसी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, कैसा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग कैविटी के अंदर में डेंसिटी का मान हमेशा कांस्टेंट, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग कैविटी के अंदर में डेंसिटी का मान हमेशा कांस्टेंट होता है, होता है रॉयल वाई यहाँ एल है सेंटर से सेंटर की कैविटी के सेंटर और पूरा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर के बीच की लिखा हुआ है कि रो गुना दोनों सेंटर के बीच की बटा थ्री एप्सिलॉन नॉट कटे हुए भाग के अंदर कहीं भी हो, सही कहा ना, दोनों सेंटर के बीच की का कई गुना बटा कहीं भी कैविटी के अंदर में कहीं भी डेंसिटी का मान निकाला जाए यही आएगा रॉयल वाई थ्री एप्सिलॉन। आगे लिखा हुआ है कंडक्टर में मटेरियल प्रेजेंट है वहां ई का मान क्या होगा, ये कल लिखल है, किसके बारे में बात किया गया है, कंडक्टर के बारे में ना, ये अलग लिखा हुआ, इससे कोई लेना देना, ये पढ़ा हो रहा था सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का एक ही लिखा है कंडक्टर का, इसका है हाँ कंडक्टर में मटेरियल जहाँ प्रेजेंट है वहाँ सिटी का मान क्या होता है जीरो, मतलब होता है ना कि मतलब हम बता रहे होंगे कि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कैविटी में सिटी का मान क्या होता है कॉन्स्टेंट, लेकिन हम जब पढ़ेंगे सॉलिड मैंने कंडक्टिंग स्फीयर, तो जहाँ जहाँ कंडक्टिंग स्फीयर में मटेरियल होता है वहाँ सिटी का मान हमेशा कंडक्टर के अंदर में हमेशा इंटेंसिटी का मान जीरो, तो जीरो भी तो कॉन्स्टेंट वाली ना, सुना के लिए कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर भी सिटी का मान क्या होगा कॉन्स्टेंट, कितना होगा जीरो, और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग की कैविटी में रॉयल वाई, ये पूरा पढ़ाया था किसका आपका सॉलिड। अगला लिखल है सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग आज इतनी पढ़ाया तो कल होता